हम चाहते हैं जो बॉक्सिंग के स्किल है बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने का स्टार्ट होना ही चाहिए। अभी मैं शुरू करता हूँ। आज आप लोगों को बॉक्सिंग का स्किल के बारे में कुछ आदान प्रदान करने वाला हूँ। जो सबसे पहले लेफ्ट जाफ, राइट क्रॉसिंग, तीसरा है लेफ्ट हुक, चौथा है राइट हुक, पांचवा है लेफ्ट अपर कट, सिक्स नंबर पे है राइट अपर कट। उसके अलावा जो आपको जो पंचेस पढ़ाने जा रहा हूँ उसके साथ ही साथ हम आप लोग उसका डिफेंसिव किस तरह से बचाव करना है, उसके साथ काउंटर कैसे खेलना है, इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और काउंटर खेलते समय आपको अलग अलग प्रकार का स्किल जो पढ़ाए जाएंगे उसको कब और कहाँ पे यूज करना है उसके बारे में आप इन डिटेल हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट जाब को लाने के लिए, परफेक्शन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका लेग का मूवमेंट, दूसरा है अपर बॉडी के साथ कम्बाइनेशन टर्न करना। तो सबसे पहले बेसिक लेफ्ट जाब को बेसिक क्लियर करने के लिए हम लोग डायरेक्ट नहीं मारते, बेसिक क्लियर करने हम कुछ स्टांस लेते हैं, सांस के साथ फिर पंच को मारने का स्थिति पर लाता है और मारने के लिए आगे जाने के लिए तीन स्थिति पर हम लोगों को पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले आप लोग का हाथ जो है दोनों ऐसे बांध दीजिए, फिर लेफ्ट राइट थोड़ा ओपन खोलो, थोड़ा सा बेंड कीजिए, सामने तरफ देखो, सामने मैं बोलूँगा लेफ्ट तो आप पहले अपना जो लेफ्ट है अपना लेफ्ट जो है सिर्फ टर्न करना है, ये हिलना नहीं, सिर्फ लेफ्ट। मैं बोलूँगा पंच, सिर्फ आराम से खोलना है इसे। मैं बोलूँगा बैक अपना स्थिति पोजीशन पर, रेडी, पहला सिर्फ टर्न, पैर का टर्न करो, पैर का, इसको लंबा नहीं चाहिए, सिर्फ बेन, हाथ इधर, चलो पांच, नज़र सामने होना चाहिए, नज़र बेन करो, उसको टर्न और करो, हाँ, और इसको सीधा मत रखो, इसको बेन करो, सामने वाला पैर को बेन करो, थोड़ा सामने वाला पैर, ये वाला कॉर्नर, ये थोड़ा ऐसे नहीं चाहिए मेरे को, ऐसे आप ये जो टर्न किया है उसको वापस लाना है, साथ ही साथ पहले पोजीशन पे बैक दोनों देखो, फिर से आपका जो टर्निंग है ऐसे नहीं चाहिए मेरे को, पूरा बेंड करो, टर्न करो, ये टर्न करने से अपर बॉडी टर्न हो जाएगा और सीधा पंच चलेगा। नेक्स्ट राइट क्रॉसिंग, आप राइट की तरफ टर्न करना है, राइट की तरफ टर्न करना है और आपका राइट खोलना है, पहले सिर्फ लेग का टर्न, रेडी टर्न, फुल टर्न, इसको बेंड करो, थोड़ा बेंड, आप नज़र सामने, सामने की तरफ देखो, आप राइट खोलो स्ट्रेट और दूसरा हाथ आप चिन के पास रखना चाहिए इसे, रेडी एक साथ हाथ भी पीछे चिन के पास लाना है, पैर पहले की स्थिति पे लाना है, रेडी बैक, आप इसको वन टू पे काउंट, वन पे डायरेक्ट मारना, टू पे वापस, रेडी लेफ्ट, पहले लेफ्ट, रेडी वन, सीधा 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 रखो इस बैक, अब राइट मारना है, राइट, रेडी वन बैक, आप छोड़ दीजिए हाथ नीचे, आप फाइटिंग पोजीशन पे, इससे बॉक्सिंग खेला नहीं जाता, हमारा जो बॉक्सिंग खेलने के लिए स्टांस रहता है, सबसे पहले स्टांस पे आएंगे, जो हम लोग ने अभी लेफ्ट जाब सीखा, राइट क्रॉसिंग सीखा, उसको कैसे अप्लाई करना है सेम टेक्निक में, तो उसके करेंगे आप दोनों पैर मिलाइए, अपना राइट साइड पैर को ऐसे खोलिए, फिर उसको सीधा थोड़ा सा पीछे, सामने का पैर थोड़ा मोड़ो, दोनों हाथ इस प्रकार से, हाँ दोनों हाथ, थोड़ा सा बॉडी बेंड करो,
हाँ, हम लोगों ने अभी स्टैंडिंग में क्रॉसिंग किया था, लेफ्ट जाप किया था, अब सामने का पैर अपना बॉडी वेट सेंटर में होना चाहिए, ना सामने ना पीछे। योर वेट शुड बी प्लेस ऑन द इन बिटवीन द टू लेग, दोनों पैर के बीच में आपका वो बॉडी वेट देना चाहिए और सामने की तरफ नज़र रखना चाहिए। अब मैं बोलूँगा लेफ्ट, अपना बाया पैर सामने वाला पैर टर्न करना है, इसे साथ ही साथ हाथ ओपन इस प्रकार से खोलना है, रेडी लेफ्ट, सामने का टर्न करो पैर सीधा, और दूसरा हाथ चिन छोड़ना नहीं। मैं बोलूँगा बैक, अपनी जगह पर टर्न जो है वापस अपनी जगह पर बैक, रेडी फिर से लेफ्ट बैक, उसको सामने जाके मारने के लिए हम खरे खरे मार नहीं सकता, कहीं तो भी अप्लाई होना है, आगे जाना है। तो ये स्थिति से आप ये जो स्थिति से पैर को सामने की तरफ खोलना है, मोड़ के ऐसे ढाप, और हाथ हाथ के साथ इस प्रकार से हृदय पैर को सामने की तरफ खोलना है और मोड़ना है और हाथ सीधा, और आपका टारगेट फेस में होना चाहिए, हृदय लेफ्ट बैक, बॉडी को सामने झुकना नहीं, बॉडी सीधा रहो, सिरे अपर टर्न करना है, ऐसे नहीं झुकना, सिर्फ ऐसे नहीं झुकना चाहिए, सिरे ऐसे सीधा, रेडी फिर से लेफ्ट बैक लेफ्ट बैक। हम लोग ने सीखा था राइट क्रॉसिंग, यहाँ से राइट क्रॉसिंग कैसे करना है, खरे खरे हम लोग ये टर्न करते थे, हाथ फिर ऐसे खोलता है, आप यही स्थिति पर पीछे वाला पैर आपका राइट हैड राइट लेग जो है थोड़ा सा आगे लेके जाने टर्न करना है, ऐसे टर्न, और साथ ही साथ आपका राइट हैंड सामने थ्रो करना है सीधा, रेडी राइट हिलोमान, आप मैं बोलूँगा बैक अपने स्थिति पर लाना, सामने झुकना नहीं, अपर बॉडी सिर्फ टर्न करो बैक, फिर से राइट बैक, वन मोर राइट बैक, आप रिलैक्स रिलैक्स। हमने अभी लेफ्ट जाप राइट क्रॉसिंग सीखा है, हम आगे बढ़ते हैं, कैसे बचना है, हम उसे कैसे बचना है, उसके लिए हम उसी स्थान से लेफ्ट स्लिप राइट स्लिप लेफ्ट स्लिप राइट स्लिप, ये बॉडी ये करना है तो लेफ्ट स्लिप सिंपल बैक राइट स्लिप, उसी समय में टर्न करना बॉडी जो अपना पैर, राइट स्लिप बैक लेफ्ट स्लिप बैक राइट स्लिप बैक, अपना बॉडी जो है सिर्फ सिंपल अपर बॉडी सिर्फ टर्न करना है, और साथ ही साथ अपना पैर का मूवमेंट होना चाहिए, क्लियर ऑन गार्ड। चलो हम मैं बोलूँगा लेफ्ट स्लिप, तो आपने लेफ्ट स्लिप करना है, राइट स्लिप वाला राइट स्लिप करना है, रेडी लेफ्ट रिलैक्स रेडी, आप ओपोजिट जाएंगे ठीक है, रेडी लेफ्ट बैक राइट बैक स्लिप, दो दो बार, चलो लेफ्ट बैक राइट बैक लेफ्ट बैक राइट बैक रिलैक्स। अब हम आगे जाएंगे लेफ्ट हुक, आगे जाएंगे लेफ्ट हुक ठीक है, लेफ्ट हुक उसके लिए आप वही स्टांस पे रहो, ऐसे स्टांस, सिर्फ आपने पैर को टर्न करना है, टर्न ऐसे, और साथ ही साथ ये जो हाथ है सिर्फ मूवमेंट है, ये
सिंपल, ज़्यादा वो नहीं करना, ये मूवमेंट ट्रेन के साथ हाथ, सिंपल, क्लियर, रेडी, डायरेक्ट लेफ्ट, ऐसा भी रखा, नो फॉल नहीं है। हुक दो प्रकार से, ये ऑर्थोडॉक्स पुराना, ये अमेरिकन स्टाइल, कोई गलत नहीं है इसमें। बैक, फिर से हुक, पैर उठाओ, सामने देखो, बैक, अब उसको हम राइट की तरफ टर्न करना है, सिंपल सिंपल टर्न करके रखना है ऐसा, रेडी, राइट से हुक, टर्न करो, पैर पैर टर्न करो, थोड़ा बेंड करो इसको, बैक, वन मोर हुक, बैक, रिलैक्स। नाउ हम लोग सीखेंगे अपर कट, लेफ्ट अपर कट, लेफ्ट अपर कट, सांस वही है, हाथ ऐसे रहेगा, और ये भी थोड़ा सा टर्न करना है, और हिप को अपर की तरफ थ्रो करना है, हाथ एकदम थ्रो, यहाँ से जग जग थ्रो, ऐसे थ्रो करना है, रेडी, ये पोजिशन से यहाँ से थ्रो, जग जग, रेडी थ्रो, बैक, रेडी थ्रो, बैक थ्रो, बैक, अब सेम, अब राइट साइड, राइट साइड थ्रो करना है इसे, ये जो पोजीशन है, रेडी, ये भी हिप हिप अपर, और ये टर्न, रेडी थ्रो, बैक, रेडी थ्रो, बैक थ्रो, बैक, रिलैक्स, हाथ नीचे, ये हो गया आपका अटैकिंग, ऑफेंसिव बोलते हैं इसको, ऑफेंसिव का हम लोग इस से स्किल से बॉक्सिंग खेला जाता है, विद द कम्बाइनेशन ऑफ फुटवर्क, विद द कम्बाइनेशन ऑफ लेफ्ट स्लिप, राइट स्लिप, डक, सोया बैग, बॉब, राइट डायगोनल, लेफ्ट डायगोनल, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग गेम खेलते हैं। ओके, अभी ऊपर जाके हम लोग जो हमने जो अभी सीखा है उसको हम काउंटर कैसे करना, स्लिप कैसे करना, हम ग्लोव्स और पैड के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए सर आप रिंग के ऊपर पीछे मुड़ो। हम लोग नीचे में हम लोग स्किप किया था लेफ्ट जाप राइट क्रॉसिंग, ठीक है, पहले लेफ्ट, ओके, लेफ्ट जाप, लेफ्ट 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 लेफ्ट, आप राइट क्रॉसिंग डालना है, वन टू, उसको बोलते हैं वन टू, रेडी, वन टू वन टू वन टू वन टू, वन मोर वन मोर वन मोर वन मोर, आप वन टू स्लिप, वन टू स्लिप, धीरे से देखो, स्लोली, आप लेफ्ट स्लिप राइट, हम लोग नीचे में सीखा था वही, रेडी मो रेडी रेडी रेडी, कम ऑन, नेक्स्ट, वन टू थ्री राइट स्लिप, वन टू थ्री राइट स्लिप, धीरे से पहले, वन टू थ्री राइट स्लिप, ओके क्लियर, हाँ कम ऑन स्लिप, कम ऑन, हाँ स्लिप क्लियर, हाँ कम ऑन, आप वन टू थ्री फोर, फोर पंचेस क्लियर, रेडी कम ऑन, फास्ट मारो, हाँ हाँ, आप नेक्स्ट वन टू हुक, वन टू हुक, हम नीचे सीखा था, रेडी क्लियर कम ऑन, हाँ कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आप नेक्स्ट वन टू हुक मारूंगा, तुम लोग राइट डायगोनल, वन टू साइड राइट, धीरे से
स्लिप राइट राइट हाँ स्लिप राइट यहाँ से धीरे से क्लियर ओके रेडी कम ऑन कम ऑन कम ऑन इसको डिफेंस बोलते हैं वो क्लियर नेक्स्ट वन टू मारेंगे सेम स्विंग लेफ्ट स्विंग धीरे से स्विंग फिर राइट क्लियर धीरे से को स्विंग राइट फिर से धीरे हाँ अब इसको फास्ट रेडी कम ऑन हाँ हाँ कम ऑन वन मोर झुको थोड़ा हाँ कम ऑन आप उसमें हुक डालेगा उसमें धीरे से देखो वन टू राइट एंड हुक क्लियर वन टू धीरे से वन टू स्लिप एंड राइट ओके धीरे से हाँ वन मोर हाँ धीरे से हाँ रे हाँ हाँ लास्ट मारो वन मोर कम ऑन पास गुड हाँ नेक्स्ट हम लोग ने सीखा था अपर कट क्लियर अपर कट वन टू अपर कट धीरे से कट क्लियर कट सीखा था टर्न करो धीरे से क्लियर क्लियर ओके फास्ट हाँ हाँ फास्ट हो क्लियर हाँ कम ऑन कम ऑन आप राइट डालेगा कम ऑन कम ऑन वन मोर कम ऑन आप वन टू धीरे से थ्री स्वीप लैप क्लियर स्वीप लैप धीरे से स्वीप लैप हाँ ओके राइट डाल हाँ वन मोर कम ऑन ओके अब कंटिन्यू सिक्स पंचेस धीरे धीरे क्लियर कम ऑन सिक्स कम ऑन सिक्स सिक्स वन मोर कम ऑन ओके क्लियर आज का जो जो हम लोग पढ़ा उसका तो ये है बहुत है लेकिन समय के अनुसार यहाँ पे आज ख़त्म कर लेते हैं आज का प्रैक्टिस का ओके थैंक यू रिमूव योर आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप इसको लाइक किया और ज़्यादा भी करने का कोशिश कीजिए आगे भी हमको इस प्रकार से बार बार आपकी तरफ आने का मौका दीजिए हम काम करने के लिए बहुत उत्सुक है तैयार है आगे भी हमेशा रहेगा धन्यवाद